दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले यूएपीए ट्रिब्यूनल ने केंद्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों पर लगाए गए प्रतिबंध को सही ठहराया है और उस पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। आपको बता दें कि केंद्र ने 28 सितंबर 2022 को अधिसूचना जारी कर पीएफआई को आईएसआईएस जैसे वैश्विक आतंकवादी संगठन से संबंध रखने, आतंकी फंडिंग और हिंसक गतिविधियों में संलिप्तता के चलते भारत में 5 वर्ष के लिए यूएपीए एक्ट के तहत इस संगठन पर प्रतिबंध लगाया था। दिल्ली यूपी से लेकर देश के अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित किया था। गृह मंत्रालय ने पीएफआई और उससे जुड़े संगठनों, रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वुमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन केरल आदि को गैर कानूनी संगठन घोषित किया था। एनआईए ने उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, असम और मध्य प्रदेश आदि राज्यों में छापेमारी कर पीएफआई से जुड़े 150 से अधिक लोगों को पकड़ा था, साथ ही कई संपत्तियों को भी जब्त किया गया था। बता दें कि पीएफआई का भारत को वर्ष 2047 तक इस्लामिक राष्ट्र बनाने का मकसद था और इसके लिए वो युवाओं को देश के खिलाफ भड़काने का काम लगातार कर रहा था।